हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल से आपको 25th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मतलब है कि जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें से ये इनका 25th क्वेश्चन है। ठीक है जी, इससे पहले वाले जो 24 क्वेश्चन है मैं अपनी वीडियोज़ में आपको अपलोड कर चुका हूँ YouTube पे ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से बाकी क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 25th क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आप एक बार अपनी बुक के साथ ये क्वेश्चन को मेरे साथ मिला लो। उससे क्या होगा, कई बार कोई पुराना एडिशन हो या अलग एडिशन हो तो क्वेश्चन एक आधा आगे पीछे कई बार हो जाता है, तो आप एक बार मेरे साथ मिला लीजिए। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री स्वामी नारायण प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड अ बैलेंस शीट एज एट डेट। ठीक है जी, मिल गया। श्री स्वामी नारायण ऑन 31 मार्च 2018 और ट्रायल बैलेंस में जो टोटल गिवन है वो 34,40,000 है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 34,040,00,000 जिसमें डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेजेज है 5,30,000, जनरल एक्सपेंसिस है 45,000। मिल गया स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट 20,00,000, सेल्स 12,50,000। ठीक है जी, ओके मिल गया, गुड। चलिए तो मैं अब इसकी आपको एक बार एडजस्टमेंट पढ़ देता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है। क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट एडजस्टमेंट है 60,000 की गिवन है, तो मैं साथ के साथ ही ये पहले इसी को ही निपटा लेता हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटे, 60,000। ठीक है जी, उसके बाद अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 2,00,000 बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द वैल्यू। तो इसका मतलब एक कॉस्ट हमने मशीन खरीदी थी, वो हमने किसमें नहीं डाली, मशीनरी में ऐड नहीं की। इंस्टॉल तो कर ली है लेकिन मशीनरी की टोटल में उसको ऐड नहीं हुआ। तो सेकंड लास्ट आइटम है डेबिट साइड में मशीनरी की, उसको टेक कर लीजिए। और उसके साथ वो कह रहा है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन 10,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो ये भी गड़बड़ होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी में दो एडजस्टमेंट्स करने वाली हो गई हमारी। तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर लीजिए और एक वेजेस में आपने ट्रांसफर कर दिया परचेज से रिलेटेड जो इसका खर्चा है इंस्टॉलेशन का। ठीक है जी, ऑन द एडवाइस ऑफ रुपीज, नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट है एंड एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 वर गिवन अलॉन्ग विद परचेज ऑर्डर वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस। तो ये एडवांस किसको दिया था आपने, परचेजेस के लिए, परचेजेस के साथ दिया था। एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 वॉज अलॉन्ग विद परचेज ऑर्डर वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस। तो ये जो एडवांस है वो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है जी, परचेजेस में से माइनस करके हम इसको किधर लिखेंगे, अब पहले परचेजेस को टिक कर लीजिए। परचेजेस कहाँ पे है ये टिक कर लीजिए। उसके बाद है वेजेस इंक्लूड सम ऑफ रुपीज 50,000 स्पेंड ऑन द इरेक्शन ऑफ द स्कूटर फॉर एम्प्लॉय, स्कूटर स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज। तो इसमें वेजेस को एक बार फिर टिक कर लीजिए, दो एडजस्टमेंट होगी वेजेस की और बिल्डिंग की एक एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन क्या है अगला, 15% प्लांट एंड मशीनरी, एक टिक और कर लीजिए प्लांट एंड मशीनरी को। तीन एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है, फर्नीचर में भी है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी लगानी है ना। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, कैरी फॉरवर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस है ना जो, उसको टिक कर लीजिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस को टिक कर लीजिए। ठीक है जी, ओके जी, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट कौन सी है, अ बिल रिसीवेबल फॉर 20,000 वाज डिस्काउंटेड। ठीक है, ये भी लास्ट एडजस्टमेंट है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में हमारे पास ये फुटनोट में ही आएगी, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। बिकॉज अ बीआर ऑफ 20,000 वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 15 नवंबर 2017 बट नॉट येट मैच्योर, पर अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है जी, तो यहां हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, तो इधर एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। ओके जी, चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड की आइटम्स है मैं उसको टिक करता हूँ क्योंकि वो थोड़ी है और उसमें एडजस्टमेंट्स भी नहीं है, पहले उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, कैपिटल 20,00,000 की, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद सेल्स गिवन है, तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय सेल्स करके,
सेल्स कितना गिवन है हमारे पास 12.5 लाख का, ठीक है जी। और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं स्टूडेंट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,36,000, ओके जी। उसके बाद है ट्रेड चार्जेस ड्यू बट नॉट पेड, तो ये लाइबिलिटी है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ट्रेड चार्जेस इसमें आएंगे आपके पास लाइबिलिटी साइड में, तो यहां पे लिख लीजिए ट्रेड चार्जेस। आउटस्टैंडिंग 5,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या गिवन है आपके पास, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये भी लाइबिलिटी आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना स्टूडेंट्स, 4,000 का, वो भी यहां लिख लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या गिवन है आपको, बैंक बैलेंस, वो भी क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट है ये, तो बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट कितना है 45,000 का, तो ठीक है ये यहाँ पे आ गया। तो चलो इसी तरीके से ये क्रेडिट साइड वाली एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब मैं डेबिट साइड में शुरू करता हूँ ट्रायल बैलेंस के, डेबिट साइड के बैलेंसेस को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कितने का है, 50,000 का, ठीक है जी। उसके बाद गिवन है हमारे पास परचेजेस, परचेजेस में क्या गिवन है हमारे पास 5,30,000, और उसकी एक एडजस्टमेंट गिवन थी परचेजेस की। परचेजेस की एडजस्टमेंट क्या है कि वो लेस एडवांस हमने जो पे किया था वो माइनस कर दो, थर्ड एडजस्टमेंट लेस एडवांस 10,000 का, ये क्या करेंगे हम माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे 5,20,000, ठीक है जी। और ये एडवांस हमारे लिए क्या है, परचेज ऑर्डर में गिवन था ना, ये लेस करके ये हमारे लिए एसेट बन गया, एडवांस अगेंस्ट परचेज, परचेज ऑर्डर दैट इज 10,000, ठीक है जी। परचेज हो गया, उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं 45,000 के, टू स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है 6,000, टू वेजेस 2,15,000, और इसकी क्या है एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स दो थी उसकी एडजस्टमेंट, एक तो ट्रांसफर टू मशीनरी, तो लेस कर दो इसमें ट्रांसफर टू मशीनरी कितना 10,000 का, और उसके बाद एक और सी इसमें एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने दो टिक किए थी, एक ट्रांसफर टू बिल्डिंग, बिल्डिंग वाला भी आपने इसमें से डाला हुआ ना, तो इसमें माइनस कर दो 50,000, तो ये तो बन गया ये 2,05,000, यहाँ तो आ गया 2,05,000, उसमें से 50,000 माइनस कर दो तो ये बन गया 1,55,000, और उसमें ऐड क्या करना है, ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल एक्सपेंसेस, ऐड ट्रांसफर फॉर जर्नल एक्सपेंसेस भी था ना नीचे जो इंक्लूडिंग सम इलेक्शन स्कूटर स्टैंड, वो तो हमने कर लिया 50,000, जो फोर्थ एडजस्टमेंट जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 20,000 पेड फॉर वेजेस, तो इसका मतलब इसमें ऐड करेंगे जर्नल एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर हुए हैं वो क्या है 20,000 के, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1,75,000, तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस एक जो हमारे पास 45,000 के थे उसमें से ये माइनस कर देंगे 20,000, तो ये क्या फिगर बन जाएगी हमारे पास 25,000 की, कितनी फिगर बन जाएगी ये 25,000 की, क्योंकि इसमें ये वेजेस वाला मैंने अमाउंट लेस कर दिया, डबल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, वेजेस के बाद है ट्रेड चार्जेस, यह आएगा टू ट्रेड चार्जेस, ट्रेड चार्जेस कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 25,000 के, एंड टू रेंट कितना है हमारे पास 44,000 का, टू चैरिटी कितने की है 5,000 की, एंड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं 30,000 के, पर इसमें वो क्या कह रहा है कि टू फिफ्थ के हैं, टू थर्ड है अनएक्सपायर्ड, तो इसमें से कर दो लेस टू थर्ड जो एक तरह के अनएक्सपायर्ड हैं,
तो इसका 1/3 कितना आ गया फिर, 10,000। तो 20,000 लेस करके 10,000 हम खर्चे में दिखा देंगे, और ये 20,000 है जो ये एसेट साइड में इधर ट्रांसफर हो जाएगा, किस नाम से, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 20,000। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया। अच्छा चलो आगे आ जाओ। उसके बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट के बाद कैरियज ऑन सेल्स, तो यहाँ पे लिख लो टू कैरियज ऑन सेल्स। कैरियज ऑन सेल्स कितना है, 12,000 का। ओके जी, उसके बाद है बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल हमें यहाँ लिख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 30,000 के। उसके बाद क्या है, डेटर्स, डेटर्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ। डेटर्स कितने हैं, ऊपर थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख लेते हैं डेटर्स 2,20,000। पर ये आज सारे करंट एसेट के अंडर ही रहे हैं ना। हाँ जी, उसके बाद कैश डिस्काउंट, खर्चा ये यहाँ लिख लो टू कैश डिस्काउंट ठीक है जी। उसके बाद है कैश इन हैंड, ₹22,000। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, 15% आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। बट फर्नीचर में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, और लेस डेप्रिसिएशन 15% है, तो 15,000 हो गया, तो ये आ गया 85,000। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी डेप ऑन फर्नीचर कितना आ गया, 15,000। ओके जी, उसके बाद एडवांस था फर्नीचर के लिए 40,000 का, वो तो हमारे लिए क्या है, एक एडजस्टमेंट थी ना। और ये जो एडवांस फॉर फर्नीचर है उसकी एडजस्टमेंट है ना नीचे, क्या कि वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस। ठीक है जी, तो फिर इसको क्या करेंगे, ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे, लेस ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स ये जो 6 एडजस्टमेंट है वो एडवांस फॉर फर्नीचर इज फॉर फर्नीचर एट प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, तो ये एडवांस उसके रेजिडेंस के लिए दिया था, तो ये 40,000 एक तरह से उसकी ड्राइंग्स में मैं लेस कर दूंगा, 1,60,000 ही आ गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है स्टूडेंट्स हमारे पास, 6,00,000 की। ठीक है जी, उसमें हमें ऐड कर देनी है न्यू जो है 2,00,000 की, 10,000 का अलग से था एक, तो ये आ गया 8,10,000। अब इस पर क्या करेंगे, टोटल पे लेस डेप्रिसिएशन 20%, तो 1,62,000। आठ लाख दस हजार का 20%, 1,00,000। आ गया ये 6,48,000 ये बन जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला क्या रह गया हमारे पास, इसके डेप्रिसिएशन यहाँ लगा लीजिए, टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 81,62,000। अब किस पे है, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे क्या करनी है हमें डेप्रिसिएशन। हाँ जी, बिल्डिंग का कितने की हमारे पास, बिल्डिंग है हमारे पास 8,00,000 जो ट्रांसफर फ्रॉम वेजेस किया था, वेजेस कितना किया था हमने 50,000 का, तो ये आ गया 15,00,000 का। लेस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन 10%,
50,000, ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 13,50,000 आ जाएगा। ओके जी, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि छोटा बन गया था, रह गया था फॉर्मेट। ट्रांजेक्शन्स तो कम ही थी मेरे को ऐसा लगा, पर एडजस्टमेंट्स थोड़ी ज़्यादा इलेबोरेटेड और एक्सप्लेन करने वाली थी, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग गया। और नीचे जो हमारे पास अब टोटल तो चलो मेरे को करना ही है, बट इसमें जो नोट देखना फुट नोट में, वो लास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट है अब बी आर, वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगी स्टूडेंट्स, बी आर ऑफ रुपीज 20,000 वॉज डिसकाउंटेड विद बैंक ऑन 15 नवंबर 2017, बट नॉट येट मैच्योर्ड, ठीक है जी, बस ये इतना लिखना होता है फुट नोट में और कुछ नहीं करना। चलिए अब हम इसका निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये देखिए, हमें सबसे पहले ऊपर इधर आ जाते हैं, सेल्स के साथ कोई सेल रिटर्न नहीं था तो लेस रिटर्न, क्योंकि अब मैंने स्पेस छोड़ी हुई है तो यहाँ लिख के ऐसे ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, तो उसमें 12,50,000 में 60,000 ऐड करो तो वो बन जाएगा 13,10,000। ये आ गया 13,10,000, 13,10,000 उसमें से मेरे को ये माइनस करनी है 1, 2, 3, तीन फिगर्स हैं, 50,000 की, 5,20,000 की और 1,75,000 की, और ये कट के आ जाएगा 5,65,000 इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स मतलब कि इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 1, 2, 3, इन तीनों का टोटल अंडरस्टूड है, 13,10,000 में से माइनस करोगे तो 5,65,000 बच जाएगा और यहाँ पे आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 5,65,000, ठीक है जी। तो अब इसका मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, 5,65,000 तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं, और इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट। तो 5,65,000 जी, तो ये आ गया, ये अब हम करते हैं यहाँ पे, ये देखिए 25,000 ये हमारे पास ये आ गया, 6,000 की ये फिगर है स्टेशनरी की, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं 25,000 के, रेंट 44,000 का, चैरिटी 5,000 की, एडवर्टीजमेंट का, कैरिज ऑन सेल हमने छोड़ दिया है, और कैरिज ऑन सेल 12,000 लिखा हुआ है, ठीक है जी, कैश डिस्काउंट 16,000 का लिखा हुआ है, और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग माइनस कर और लिख लेते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना रह गया, दोनों लिख लिए थे बस वो बिल्डिंग वाला रह गया हमारा, वो है 1,50,000 का, 1,50,000 का, ठीक है जी। तो 1,50,000 तो ये अब हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट 95,000, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट समझ गए ना मैंने क्या किया, इसके टोटल में से इन सभी का टोटल ऐड करके उसको माइनस कर दिया 5,65,000 में, तो वो बच गया हमारे पास 95,000, ठीक है जी। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं ऐड कर दूंगा इधर, ओके, यहाँ पे इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट 95,000, तो ये 16,00,000 था ना, हाँ 16,00,000 है ये, तो 20,00,000 है ना ये, 20,00,000 माइनस 40,000, हाँ 40,000 है ये आ जाएगा 19,60,000, 19,00,000 माइनस, और इसमें 95,000 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 20,55,000, ठीक है जी। अब चलिए इसका टोटल कर लेते हैं, 20,55,000 में ये सारी आइटम्स ऊपर वाली भी मेरे को ऐड करनी है, प्लस 1,36,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 45,000, ये आ गया 크레디터스 포 스테이셔너리, क्योंकि मशीनरी की वो एंट्री हमने करी नहीं थी, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी 2,00,000 की। स्टूडेंट्स ये जो मशीनरी वाला है ना, ये
ये 2 लाख इसकी डबल एडजस्टमेंट करनी थी ना हमें, एक तो हमने करी, दूसरी यहाँ पे करनी रह गई थी। ठीक है जी, तो क्रिएटर्स फॉर मशीनरी ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक ही तरफ लिखा था क्योंकि वो पूरी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना रह गया था, तो अब यहाँ लिख लेंगे 24,45,000। क्या लिख लेंगे? 24,45,000। ओके जी, अब उसमें से इनका सब टोटल करेंगे, सबका टोटल, सब टोटल नहीं, इन सबका टोटल करेंगे। ठीक है जी, 30,000, 60,000, 10,000, 20,000, 85,000, 13,50,000। ठीक है जी, तो ये बन के हमारे पास 24,45,000। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 24,50,000, राइट जी। तो ये तो ये आपके पास ये टोटल बन गया। आप एक बार मेरे साथ सारा क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्वेश्चन सिंपल था, बस उसकी एक दो एडजस्टमेंट्स नहीं थी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो नया सीखने को आपको मिलना ही है ना। ठीक है, तो इसमें हमने जो परचेजिंग के लिए एडवांस था वो अलग से इसमें माइनस कर दिया। ठीक है, वेजेस में जो आपने मशीनरी को ट्रांसफ़र किया, बिल्डिंग को ट्रांसफ़र किया, और जनरल एक्सपेंसेस वाला ऐड कर लिया। ठीक है जी, और उसके बाद बाकी ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल थी। ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट का भी आपने प्री निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये देखिए, ये आराम से देखिए, आप स्लो करके पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करके देखिए दोबारा, यदि कोई दिक्कत आती है तो अपना जो आपकी क्वेरी है वो मुझे कमेंट्स में भेजिए, मैं आपका आपको उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट तक का। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट तक का। अब ये रहा इसका बैलेंस शीट, एक बार बैलेंस शीट भी दोबारा देख लीजिए। ये फुट नोट में ये लास्ट एडजस्टमेंट थी, उसको लिखना था क्योंकि वो कंटिन्जेंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी। ठीक है जी, ओके, डन।